पीछे से वैसे भी बहुत भीड़ थी सर, धक्का मुक्की हो रही थी, तो उन्होंने बोला वो मुझे धक्का दे रही है। मैंने बोला मैडम मैं आपको धक्का नहीं दे रही थी, आपको धक्का लग गया होगा, मैंने आपको धक्का नहीं दिया है कि वो फिर एग्रेसिव होगी। और उन्होंने मेरे ऊपर 2-3 थप्पड़ लगाए उन्होंने मेरे ऊपर। फिर किसी और से मुझे पता लगा कि वो विधायक है, आशा कुमारी जी है, तो हमारे मेरे साथ एक हेड कांस्टेबल मैम थे और एक कांस्टेबल थे, तो वो भी साथ में थे। डीएसपी सर आए, वो सारा तब तक हो चुका था, तब उनको अंदर ले गए, बस यही सारा हुआ था सर वहाँ पे। और एग्रेसिव वो बहुत ज़्यादा थी, हमने तो फिर भी सही से बात करी थी। एमएलए का आरोप है कि आपने उनको गालियाँ दी, स्टूपिड कहा, नॉनसेंस कहा, और उसके बाद आप जब उन्होंने थप्पड़ मारा उसके बाद रिप्लाई में आपने भी थप्पड़ मारा, ये उनका आरोप है, क्या कहेंगे सर? एक्चुअली उनका आरोप क्या है वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये हाँ सर, जब इतनी जी ऑफकोर्स सर मैं बता रही हूँ आपको, जैसे हम भीड़ कंट्रोल करने के लिए थे सर, मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, और इतना सर इतनी भीड़ में हमको जब जो ड्यूटी दी है हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे, और ड्यूटी के दौरान किसको क्या पता होगा, किसको मैं किसी को गाली क्यों दूंगी, मैं अपना काम कर रही थी, अपनी ड्यूटी कर रही थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और हाँ, वो बोल रही है कि मैंने उनको थप्पड़ मारा, उन्होंने मेरे ऊपर 3, आप शायद वीडियो भी नहीं देखी होगी, आपने उसको देख लेना, उसने 3 टाइम मेरे ऊपर कंटिन्यू स्लैप करा। तो हाँ, अगर मेरा मुझे बचाने के लिए, अपने आप के बचाव के लिए हाथ अगर उस पर अपना प्रोटेक्शन के लिए हाथ उड़ गया होगा तो वो मैं नहीं जानती, वो अगर वो थप्पड़ बोल रहे तो वो मेरी प्रोटेक्शन थी। दरवाजे पे काफ़ी भीड़ थी, और मुकेश अग्निहोत्री जी, मैं मुकेश अग्निहोत्री जी का PSO, हम अंदर आ रहे थे, ये लेडी कॉन्स्टेबल थी, इन्होंने धक्का दिया, बहुत ज़ोर से धक्का दिया, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि धक्का मत दीजिए, फिर उन्होंने कुछ अपशब्द कहे, मैंने फिर उनको रिक्वेस्ट की कि ऐसा मत कहिए, मैंने अपना ये कार्ड जो है जो था ये दिखाया, और मैंने कहा मैं विधायक हूँ मुझे अंदर जाना है, तो मेरे साथ और महिलाएं भी थी, उन्होंने सबको धक्का दिया, मैंने कहा धक्का मत दीजिए, फिर उन्होंने कुछ क्या कहा उन्होंने, शट अप, इडियोटिक, इस तरह से वो कही जा रही थी, और फिर उन्होंने कुछ इस तरह से एक वो करके वो किया, पुश तो कर ही रही थी, मारने का जिस तरह से होता है। आई एम वेरी सॉरी कि मुझे, अब मैं राजपूतों की लड़की हूँ, मुझे उस वक्त गुस्सा आ गया होगा, तो मैंने भी आई हिट अ बैक एंड शी हिट मी बैक, बट आई एम सॉरी, आई शुडंट हैव डन इट। अगर कोई दूसरा गलत करे इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, आई शुडंट हैव डन इट। ये बच्चे हैं, शायद इनको पता भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, उनसे अगर गलती हो गई तो मुझे भी नहीं करना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मैं माफ़ी नहीं मांगती हूँ, मैं अपने आप से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं ये मेरी उम्र नहीं है कि मैं बच्चों को थप्पड़ मारूं, मगर उनका भी ये बर्ताव ठीक नहीं है कि वो लोगों को धक्के दें और गाली बकें, मैं उनकी माँ से भी ज़्यादा उम्र की हूँ, हालात ऐसे थे, हालात जिस तरह के थे, कोई आपको अगर अपशब्द कहे, धक्का मारे, ऑलमोस्ट मारे, तो संयम कई बार टूट जाता है, बट आई एम सॉरी एंड आई डोंट वॉन्ट टू कंप्लेन अबाउट एनीबडी, बट आई एम सॉरी कि इस तरह का इंसिडेंट हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी ये कहना है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मैसेज एक जाना चाहिए वो मैसेज सही फ्लोट नहीं गया, जो थप्पड़बाजी हुई है, कहीं ना कहीं एक मैसेज है, गलत मैसेज फ्लोट। ये मैसेज तो आप ही लोग देते हैं और बनाते हैं, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं कह रही हूँ कि अगर उसने किया तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं तो कह रही हूँ आपको कि मुझे ऐसा करने, मैं इस बात के लिए सॉरी फील करती हूँ कि अगर कोई दूसरा बदतमीजी करे तो मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आई एम सॉरी दैट मैं जिंदगी में कभी नहीं किया तो मुझे आज भी जरूरत नहीं थी।